यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में, और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। आज हम आपको कराएंगे यूपी के कुशीनगर की सैर, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। 1876 में अंग्रेज पुरातत्व अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुशीनगर की खोज की थी। कुछ लोग इसे कौशल की राजाओं की नगरी कुशवती के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी होने के चलते इसका नाम कुशवती रखा गया। घूमने के लिहाज से भी कुशीनगर एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां दूर दूर से पर्यटक यहां घूमने आते हैं। कई मंदिरों और स्तूपों के साथ यहां पर आप कई जगहों पर घूम सकते हैं। तो आइए एक एक करके चलते हैं यहां की पर्यटन स्थलों की सैर पर। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ कुशीनगर के रामाभार स्तूप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 16 महाजनपदों में उनकी अस्थियों और भस्म को बांध दिया गया। इन भस्मों और अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाए गए। कुशीनगर में मौजूद रामाभार का स्तूप इन्हीं में से एक है। करीब 50 फुट ऊंचे इस स्तूप को मुकुट बंधन रोहाड़ भी कहा जाता है। रामाभार स्तूप के नॉर्थ में स्थित यहाँ का जापानी मंदिर विशिष्ट वास्तु के लिए भी प्रसिद्ध है। अर्ध गोलाकार इस मंदिर में भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की मूर्ति है। मंदिर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धर्मार्थियों के लिए खुला रहता है। इस मंदिर की देखरेख जापान के एक संस्था की ओर से की जाती है। जापानी मंदिर के ठीक सामने एक संग्रहालय है। इसके बुद्ध कालीन वस्तुओं, धातुओं, कुशीनगर में खुदाई के दौरान पाई गई मूर्ति, सिक्के और बर्तन भी रखे गए हैं। संग्रहालय के बाद वाट थाई मंदिर यहाँ का सबसे आकर्षण का केंद्र है। हाल ही में इस मंदिर को बनाया गया है। मंदिर का निर्माण थाईलैंड सरकार के सौजन्य से किया गया है। इस मंदिर में 2.5 शैली की भगवान बुद्ध की अष्ट धातु की मूर्ति है। मंदिर का वास्तु थाईलैंड के मंदिरों जैसा ही है। मंदिर की देखरेख थाईलैंड की राजकुमारी करती है। मंदिर परिसर के चारों ओर भव्य बागवानी भी की गई है। पौधों का विशेष आकार भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। पूरे दिन घूमने के बाद तो आप थक ही गए होंगे, तो यहाँ पर थकान दूर करने के लिए और ठहरने के लिए कई होटल भी मौजूद हैं, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। यहाँ लोटस निको होटल, होटल रेजिडेंसी और कथित निवास में ठहरने के लिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही बुकिंग करवा लें, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ज्यादातर कथित निवास यूपी पर्यटन विकास निगम की ओर से संचालित होते हैं। वहीं धर्मशालाओं में भी साल भर भीड़ रहती है। इसमें बिरला धर्मशाला और बुद्ध धर्मशाला प्रमुख है। इसके अलावा अलग अलग देशों के मंदिरों के धर्मशाला भी हैं। कुशीनगर गोरखपुर से 52 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नंबर 28 पर स्थित है। गोरखपुर से हर घंटे कुशीनगर के लिए बसें मिलती रहती हैं। गोरखपुर से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए हवाई सुविधा भी उपलब्ध है। आपको कुशीनगर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ट्रेन से जाने की सोच रहे हैं, तो यहां सबसे ज्यादा नजदीक गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, ये थी कुशीनगर की सैर, जहां पर हमने आपको घूमने, ठहरने और पहुंचने तक की हर तरह की जानकारी दी।
फिलहाल हमारे इस अंक में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी जगह की हम आपको सैर कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। यात्रा भारत की।